Hello friends, this is Deep, your fitness trainer. Welcome to Fitness Trainer channel. जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उसको शायद पता है आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है हाउ टू मेजर मेंटेनेंस बॉडी कैलोरी, जो साइंटिफिकली बोला जाता है BMR। व्हाट इज BMR? BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी मैं आपको इस साइंटिफिक टर्म को एक इजीली एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप कोई वर्कआउट नहीं करते हो, बट आपका जो एक्टिविटीज है नॉर्मल एक्टिविटीज है, आप ऑफिस जाते हो, स्कूल गोइंग हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ये जो सारा दिन का 24 आवर्स का जो आपका जर्नी है, इस जर्नी में आपके बॉडी में कितने मिनिमम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, इसको बोला जाता है BMR। क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है? मिनिमम मेंटेनेंस कैलोरी आपको बॉडी में चाहिए होगा आपको सरवाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आज आपका एज 20 है, 18 है, आपका वेट है 44, 50 और 60, वॉट एवर। आप अगर इस वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हो, आपका जो BMR काउंट होगा, तो आपको उसी रेट पे उसी कैलोरी सारा दिन का कंजम्पशन करना पड़ेगा। अगर आपको वेट घटाना है तो आपका जो मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है बॉडी का कैलोरीज का, वो शायद आपको लो करना पड़ेगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको आपका BMR का जो काउंट है उससे ज्यादा कैलोरी इंटेक करना है। अभी मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि हम सब लोग गाड़ी और बाइक शायद चलाते हैं, जैसे मशीन हो गया, तो मशीन्स में हम लोग को पेट्रोल डालना पड़ता है, तो एक मिनिमम पेट्रोल चाहिए होता है कि आपको पर्टिकुलरली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए। बट अगर बाइक और गाड़ी और कोई भी मोटर व्हीकल्स आपको नहीं चलाना है, बट फिर भी एक मिनिमम क्वांटिटी पेट्रोल और डीजल उस मशीन में कैरी करना होता है जो मेंटेनेंस पैरामीटर होता है। वैसे ही हम लोगों का ह्यूमन बॉडी में एक मेंटेनेंस पैरामीटर है। ये जो मेंटेनेंस पैरामीटर है ये डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज का अलग होता है। ये जो BMR कैलकुलेशन ये भी डिपेंड करता है 3 मेजर एस्पेक्ट के ऊपर। वो मेजर एस्पेक्ट्स क्या है? एक है आपका एज, दूसरा हो गया आपका वेट, तीसरा हो गया आपका हाइट। आगे के वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। मैंने आपको मोबाइल पे स्क्रीन पे लेके गया है गूगल सर्च इंजन में, वहाँ पे हमने BMR कैलकुलेटर टाइप किया, गूगल का पेज खुल गया है, उसमें मैं फर्स्ट ऑप्शन BMRcalculator.net चूज करूँगा। BMR.net में क्लिक करते BMR.net का जो पेज है खुल गया मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हो। वहाँ पे US यूनिट, मेट्रिक यूनिट, अदर यूनिट, एज, जेंडर, हाइट एंड वेट मेंशन किया हुआ है, मेल फीमेल आल्सो। अभी मैं चेक करूँगा, मैं अगर लेता हूँ इंडियन का एवरेज हाइट है 5.8 इंचेस, एवरेज वेट मैंने डाला है 60 kgs, जिसका पाउंड में होता है 160 kg 60 pound, एज मैंने डाला है 25। मैं कैलकुलेट में प्रेस करूंगा,
इंसान का एज होगा 25 एज, एक लड़का का जो 5.8 इंचेस का हाइट होना है और इसका वेट है 60 किलोस, उसका डेली BMR रिक्वायरमेंट है 1685 कैलोरीज। मैं अभी आपको सेम फीचर सेम वेट में 50 किलोग्राम 25 ईयर्स एज का एक फीमेल का BMR कैलकुलेशन कितना हो सकता है मैं दिखा रहा हूँ। द रिजल्ट इज BMR इज इक्वल टू 1519 कैलोरीज पर डे इनटेक। मैं आप अगर स्क्रॉल कर डाउन करोगे तो बहुत सारा अदर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, बट फिलहाल वो थोड़ा एडवांस है। अभी मैं आपको शो करूँगा एक स्टूडेंट का, एक 20 साल का स्टूडेंट का क्या होना चाहिए। देखिए मैंने एज डाला 20, वेट मैंने डाल रहा हूँ 60, हाइट 5.8 मैंने इंचेस रखा है, जो BMR कैलकुलेशन आ रहा है 1630 कैलोरीज। ये एक लड़का का मिनिमम BMR काउंट। मैं उसी तरह से अभी फीमेल्स एक स्टूडेंट का जिनका उम्र 20 साल है, जिनका एवरेज हाइट है 5.4 इंचेस, वेट करीबन 50 किलो, मैं कैलकुलेट करूंगा उसका BMR एवरेज इनटेक है 1497। मैंने जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और कैलोरी चेंजेस है यहाँ पे। जैसे आपका जो भी एक्टिविटीज है, जैसे आप हेवी वर्कआउट करते हो, कुछ हेवी वर्क करते हो, तो आपका डेली रिक्वायरमेंट का जो कैलोरीज है वो चेंज होता रहेगा, डिपेंड अपॉन योर एक्टिविटी ऑल्सो। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको जो डेली अपडेट है, मैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आता रहेगा।